हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदि। आप सभी लोगों का स्वागत है आदि प्लेज यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाला। बीच में मेरे एग्जाम्स आए थे, उसके बाद मैं आलस के कारण नहीं डाल पाया था। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ यार, माफ़ कर देना। तो आज से इस चैनल के अंदर फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड होंगे। तो यार, आज से हमारे चैनल के अंदर माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट होने वाले, ये उसका पहला एपिसोड होगा। तो बिना कोई देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे स्पॉन कर दिया किसी अनजान जगह के अंदर हमेशा की तरह। थोड़ा ऊपर जाकर देखते आसपास के नज़ारा, कोई विलेज है या फिर नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ढूंढेंगे। शायद से हमारे सामने प्लेन्स बायोम है, वहाँ पर जाकर चेकआउट करेंगे, क्योंकि प्लेन्स बायोम के अंदर हमें विलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे पहले जाकर पेड़ को काटेंगे, क्योंकि ये माइनक्राफ्ट का सबसे पहला रूल है पेड़ को काटना, वो भी 2.5 किलो के हाथों से। हाँ, हाथों से हमें माइनक्राफ्ट के पेड़ को काटना होगा। माइनक्राफ्ट के अंदर लॉजिक के बारे में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के अंदर माइनक्राफ्ट लॉजिक का गला काट दिया था। लॉजिक है या फिर नहीं, वो बात मायने नहीं रखती, क्योंकि माइनक्राफ्ट हमारा सबसे फेवरेट गेम है। फेवरेट वो बात अलग है कि अगर माइनक्राफ्ट के सबसे अच्छी गेम कोई आए तो उसे ट्राई करेंगे। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपकी फेवरेट गेम कौन सी है। तो यार, बस जल्दी से टूल्स को क्रिएट करने के बाद सीधा चलते हैं विलेज को ढूंढने के लिए। एक एक्स और पिकैक्स काफ़ी है, और जल्दी से जाकर और भी पेड़ों को तोड़ लेते ताकि हमें और भी काम आ सके उससे। ओके, इतने सारे वुड्स काफ़ी है। अब जल्दी से जाकर काबल स्टोन को भी कलेक्ट कर लेते हैं और स्टोन टूल्स में अपग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि और भी प्रोटेक्शन बढ़ सके हमारे लिए। ओके, इतने सारे काबल स्टोन्स काफ़ी है। अब जल्दी से जाकर स्टोन टूल्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोल भी है, उसे भी ले लेते हैं जल्दी से। मैंने सोचा कि 4-5 कोल और होंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे कोल मिल गए गाइस हमको। अब जल्दी से स्टोन टूल्स को बना लेते हैं और सीधा चलते हैं विलेज को ढूंढने के लिए। अब यहाँ से नीचे जाना होगा, भोलेनाथ को स्मरण करते हुए जल्दी से पानी के अंदर कूद जाते। जय भोलेनाथ, चलो चलते हैं। ओह, एक आठ, मैंने गलती से गलत जगह पर कूद गया। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, अगली बार ऐसे स्टंट्स नहीं करूँगा यार, मेरे बहुत ज़्यादा फट गई। आए तो थोड़ी बहुत काबल स्टोन्स को भी लेकर चलते ताकि उस पहाड़ को चढ़ने में हमारी मदद आए। ओके, इस पहाड़ को बाहुबली की तरह जल्दी से चढ़ लेते हैं। ओके, हम फाइनली पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। जल्दी से जाकर विलेज को ढूंढ लेते हैं इस प्लेन्स बायोम के अंदर। मेरा हंगर बार खत्म होने के लिए आ रही है, तो जल्दी से जाकर इनको मार लेते हैं ताकि फूड की कोई भी कमी ना हो। यहाँ पर शायद से केव जैसे दिख रहे, अंदर जाकर देखते कुछ ये या फिर नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा, जल्दी से जाकर टॉर्च को क्रिएट कर लेते। या भाई यार, स्टिक्स कम है, कोई बात है, हमें बहुत सारे वुड है, उससे स्टिक्स बना लेते हैं और टॉर्चेस भी बना लेते हैं, इतना काफ़ी होंगे शायद से। अब अंदर जाकर देखते हैं, हमें आयरन या फिर कुछ और डायमंड्स भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी।
मैं भी क्या सोच रहा हूँ इस जगह के अंदर डायमंड्स। ओ नहीं नहीं ज़ॉम्बी नहीं नहीं अब नहीं, मेरे पास आर्मर भी मतलब कुछ नहीं है। अब तू आके तंग मत करना। अबे हट, ये ज़ॉम्बीज बिना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कॉपर से मैं क्या करूँ, यहाँ पर ज़ायरे नहीं है। अबे यार एक और ज़ॉम्बी, हट। शायद से नीचे और भी ज़ॉम्बीज है, एक बार देखते टॉर्च लगा कर। हाँ ये ज़ॉम्बीज और भी, अब नहीं जाते इसके अंदर क्योंकि केव भी बहुत ज़्यादा गहरा है और ज़ॉम्बीज भी बहुत सारे हैं। हमारे पास प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई और दिन आकर देखेंगे इस केव के अंदर और भी क्या क्या चीज़ है। अब पहली प्रायोरिटी ये है कि किसी अच्छे विलेज को ढूंढ लेना, क्योंकि वहाँ पर हम हमारे बेस बनाएंगे। यार रात भी हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज तंग करेंगे। पूरी रात अभी तक नहीं हुई, जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े खाना नहीं मिलने के लिए। यार ये जगह तो पूरा का पूरा फूलों से भरा हुआ है और मेरा हंगर बार भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। जल्दी से इसे मार के भाग लेते यहाँ से। पिग रात के समय बाहर घूमना मना है क्योंकि मेरी तरह शिकारी घूमते हैं बाहर। ऊपर की तरफ बिल्ड कर लेते क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी सारे नीचे क्रीपर भी है। अब यहाँ पर हम खाना पकाएंगे। ओके हमारा खाना पक चुके, जल्दी से खा लेते। आप लोग देख सकते हो कितनी जल्दी से हंगर बार फिल हो रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर खड़े होने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा। जल्दी से चलते हैं आगे, नीचे ज़ॉम्बीज है तो यहाँ से ही कूदेंगे। भागो भागो, जल्दी से पीछे मत देखना। One eternity later. हम बहुत दूर आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमें कोई भी विलेज नहीं दिखने। हो भाई सब बच गए, कोई तो मार रहा है। अबे इसके लिए यहाँ पर भागो भागो। नहीं एक नहीं मारना मत, मुझे छोड़ दो। अबे यार मार दिया इसने, अब फिर से स्पॉन पॉइंट पर जाएंगे। ओके सामान डिस्पॉन होने से पहले जल्दी से जाकर उसे कलेक्ट कर लेंगे। ओके गैस मैं सामान के पास जाने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके यार लकीली हमारा सारा सामान डिस्पॉन नहीं हुआ। गैस वहाँ पर एक पंपकिन है, आप लोगों को ये चीज़ पता है। अगर आप लोगों को पंपकिन दिखा है उसके आसपास एक विलेज पक्का होगा, तो देखते हैं विलेज कहाँ पर है। ओके हमारा सामने विलेज है वहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं पंपकिन के सामने ही विलेज है। जल्दी से जाकर विलेज को देखते हैं ये कितना बड़ा है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस इस विलेज तो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। गाइस इस विलेज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसी के अंदर मैं अपना सर्वाइवल बेस बनाऊंगा। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिख रहे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।